कल जो है लाइगर थिएटर में ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है। उस मूवी को देखने के लिए मुझे कितने तामझाम करने पड़े हैं ये मुझे पता है, पर सवाल ये आता है कि एक मूवी को देखने के लिए इतना सब कुछ करना वर्थ इट था? ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं कल मिला BNF TV के बादल से कोल्हापुर में। मेरा कोल्हापुर जाने का कोई प्लान नहीं था, एंड मोमेंट में मैंने सोचा कि चलो कोल्हापुर जाते हैं। जब वहां पे गया, मूवी देख रहा था, 2-3 मिनट के बाद मैंने बाजू में देखा तो भाई बादल बैठा हुआ था। मैंने पूछा, भाई BNF TV यार, बंदा देखा, थोड़ी चेहरे पे लाइट मारी और बादल बैठा हुआ था यार। सच में बोल रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था उस बंदे से मैं ऐसे मिलूंगा। सच में उस बंदे से इंस्पायर्ड होके मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है। ये मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप मेरा ब्लॉग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो अब बात शुरू करते हैं लाइगर की। देखो, अगर आप लाइगर मूवी देखना जाना चाहते हो, अगर उसमें आप एक स्पोर्ट्स ड्रामा ढूंढना चाहते हो, तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। आप पूरी तरह से डिसअपॉइंट होने वाले हो इस मूवी को लेके, जैसे मैं हुआ था। इस मूवी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिसकी वजह से ये मूवी फ्लॉप हो सकती है, या फ्लॉप ही है यार। जैसे कि अननेसेसरी सॉन्ग, अननेसेसरी इवेंट। सबसे बड़ी चीज है इस मूवी में एक्टिंग जो है मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिली है, वो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लगा है। विजय देवरकोंडा की साइड से भी मुझे लगा था कि यार विजय देवरकोंडा अगर बॉलीवुड में आ रहे हैं तो शायद बॉलीवुड में कुछ वो, अब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि विजय देवरकोंडा ने बिल्कुल ही बुरी एक्टिंग की है, पर इस मूवी में उनकी जो एक्टिंग का लेवल मैंने देखा था ऑलरेडी अर्जुन रेड्डी में, वो बहुत अच्छा था। पर इस मूवी में आते आते थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि इसमें ज्यादा ओवर एक्टिंग फील होती है। जो विजय देवरकोंडा का करेक्टर है उसके साथ वो चीजें बस हो जाती हैं, उसके लिए उसको कुछ सफरिंग या कोई स्ट्रगल ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस हो जाता है। जैसे इंटरनेशनल फाइटर बनना होता है, सिर्फ उसको 2 मिनट की ट्रेनिंग लगती है पूरे मूवी में। पूरे मूवी में सिर्फ मैंने 2 मिनट का ट्रेनिंग का सीन होगा, उसी ट्रेनिंग में वो इंटरनेशनल फाइटर बन जाता है और वो लास वेगस पहुंच जाता है। विजय देवरकोंडा की जो माँ का करेक्टर निभा रही है, उनका अभी भी लगता है राजमाता शिवगामनी वाला कैरेक्टर अभी भी उनके अंदर से गया नहीं है। वो अभी भी दिखाई देता है, बड़ी बड़ी आंखें, बैठने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज अभी भी उनका बाहुबली दिखाई देता ही है यार। पर टाइम टाइम पे उन्होंने अपने बेटे को मोटिवेट किया है, पर कहीं कहीं पे वो ओवर लगता है। जिस तरह से वो बोलती हैं, वो करती हैं, वो ओवर द फ्लो लगता है यार। इतना भी नहीं होता है, मोटिवेशन का होता है, एक लेवल पे होती है वो, जो जिस टाइप का वो मोटिवेशन देती हैं वो मुझे थोड़ा अजीब लगा है, सच में अजीब लगा है। इतना नहीं होना चाहिए था, शायद ओवर ही हो गया यार। अब बात करेंगे हमारे स्ट्रगलिंग क्वीन, हमारे लीडिंग लेडी ऑफ द लाइगर मूवी, अनन्या पांडे की। इस मूवी में जिस तरह की उन्होंने एक्टिंग करी है, शायद उनको सच में हॉलीवुड जाना चाहिए। और उन्होंने मूवी में भी ये बात बोली है, जिसको सुनकर बादल और मेरे रिएक्शन सेम ही थे। देखो, अगर अनन्या पांडे हमें फिर से किसी मूवी में दिखाई देती है, समझ लो बॉलीवुड वाले हमको चूतिया ही समझते हैं, क्योंकि उनको फिर से एक मूवी में लाना बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली है। ये पूरी मूवी स्पोर्ट्स ड्रामा होने वाली थी, यानी कि MMA, पर मुझे इसमें MMA वाला इतना टच दिखाई दिया नहीं। अगर आपको MMA टच वाली एक असली मूवी देखने चाहते हो, जिसमें आपको सच में एक MMA वाला एक्सपीरियंस फील हो सके, तो आप अक्षय कुमार वाली ब्रदर्स देख सकते हो। उस मूवी में MMA बहुत अच्छे से दिखाया गया और ट्रेनिंग भी बहुत बेहतरीन दिखाई गई है, और लगता है उन्होंने किस तरह से सफर करा है, किस तरह से अपनी जर्नी को कंप्लीट करा है, वो दिखता भी है। एक्टर्स ने बेशक इस मूवी में काम खराब किया है, पर अगर देखा जाए तो इस पूरी मूवी की जो कहानी है वो बहुत कमजोर थी। कहीं कहीं पे कहानी बिल्कुल डगमगाती हुई नजर आ रही थी। देखो, कहीं कहीं पे जो कॉमेडी सीन्स है वो वर्क कर भी रहे थे, ऑडियंस उनको एंजॉय कर भी रही थी। जो कुछ होते हैं, जो किसी भी मूवी को बहुत ज्यादा डीपली देखते हैं कि हमको कहानी समझ में आनी चाहिए, उनके रिएक्शन ऐसे थे कि यार ये इवेंट हुआ तो हुआ कैसे, इसको कैसे पॉसिबल हो सकता है। विजय देवरकोंडा बहुत अच्छे एक्टर है, मैं उनकी मूवीज बहुत पहले से देखता आ रहा हूं। इस मूवी का खराब होने का मतलब विजय देवरकोंडा की एक्टिंग से नहीं है, कमजोर कहानी से है। अगर डायरेक्टर चाहे तो एक एक्टर से बेहतरीन परफॉर्मेंस करा सकता है। एक्टर सिर्फ डायरेक्टर की ही बात सुनता है, पर यहां पे देखा जाए तो डायरेक्टर ने चूतिया कर दिया सबका।
मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप ये मूवी देखने ना ही जाए तो बेहतर है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे बहुत जल्दी ये मूवी आ जाने वाली है, आप वहीं पे देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, थिएटर में ना जाकर। टाइगर को थिएटर में जाके देखने से बेहतर है अब ड्रैगन बॉल सुपर जाके देख के। बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि एनिमे को हिंदी में डब करके थिएटर में रिलीज किया जा रहा है और साथ में इंग्लिश और जैपनीज लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। अगर आप ये मूवी देखने जाते हैं तो इंडिया में एनिमे का कल्चर और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा एनिमे आएंगे, और ज्यादा लोग देखेंगे और ज्यादा बेहतरीन एनिमे इंडिया में भी प्रोड्यूस किया जाएगा। तो जाके ड्रैगन बॉल सुपर देखो, लाइक और छोड़ो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे 4 दिन के बाद फिर से आ जाएगी या वैसे ही घूमती रहेगी इंटरनेट पे। टोरेंट भी कर सकते हो पर मैं सबको सजेस्ट नहीं करूंगा, बस इशारा दे रहा हूँ, टोरेंट भी कर सकते हो। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। अगर आप और अपडेट चाहते हो टाइम टू टाइम तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना और ट्विटर का लिंक भी हो वहां पे भी कर लेना अगर आप ट्विटर पे हो तो।